छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन संघ के द्वारा अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करके अपना आह्वान किया। इस दौरान आने वाले आगामी त्योहारों एवं किसी भी सरकारी आयोजन व राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं न देने का ऐलान किया और हाथों में तख्ती लेकर विरोध किया। आगामी गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन नबी में संपूर्ण राज्य में छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन द्वारा डीजे एवं धुमाल बाजा वालों की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें उन्होंने अपना विरोध जताया कि छत्तीसगढ़ सरकार शासन प्रशासन द्वारा डीजे व धुमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे नाराज संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से 4 सूत्री मांग को लेकर बात कही गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शामिल छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन का कहना है कि वाहन में साउंड सिस्टम नहीं बांधना है, परंतु बिना वाहन के साउंड सिस्टम जुलूस, झांकी या अन्य किसी रोड शो में चला पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक कार का हॉर्न 90 dB से ज़्यादा बजता है, तो 55 dB में किसी भी साउंड सिस्टम को चलाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन द्वारा जो एक तरफा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन ने अपने त्योहारों गणेश विसर्जन, मिलादुन नबी एवं किसी भी सरकारी आयोजन व राजनीतिक कार्यक्रमों में सेवाएं नहीं देने का और अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। भैया, ज्ञापन हम लोग इसलिए सौंपने आए कि हमारी जो डीजे यूनियन वाले लोगों के लिए कानून एकदम स्टिक कर दिए, टाइट कर दिए कि गाड़ी पे नहीं बांधना है, तो 10 बजे तक कहीं बजाना है। हम लोग 10 बजे तक के लिए रेडी हैं, लेकिन समिति जो होती है वो हमारे पे दबाव बनाती है कि 10 बजे की बात चलाओ 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 करके। तो अगर हम ये चाहते हैं, हमारी यूनियन ये चाह रही है कि आप समिति पे कार्रवाई करो, और समिति पे शायद आप कार्रवाई करोगे तो उसके बाद से 1-2 समिति पे कार्रवाई होने के बाद से बाकी सब समिति टाइट हो जाएगी कि भाई नहीं, कार्रवाई होगी अब करके, ताकि उस पर सभी चीज़ें बनी रहेगी। मतलब ट्रैफिक जाम नहीं होगा, 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। यही है कि हमारी सुने सरकार, मतलब कि हमको भी परमिशन मिले, हमारा भी पेट रोजी है, हमारा भी व्यवसाय है, जिसको हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी घर परिवार सारा कुछ, या लोन बैंक बैलेंस, बैंक का जो कर्जा वर्जा सब जो है, हम भी लेके सामान खरीदते हैं, और इन चीज़ों के लिए हमको व्यवसाय करना जरूरी है। और हमारे व्यवसाय पे अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो इस कारण हम लोग सोचे कि भाई हमको ज्ञापन देना है, और हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए हैं, और SP सर को और मुख्यमंत्री जी को भी। गवर्नमेंट का नियम है 10 बजे के बाद डीजे बंद है, फिर भी आप लोग बजाते हैं? गवर्नमेंट का नियम है, उस नियम को हम पालन करने के लिए तैयार हैं। हम 10 बजे हम भी चाहते हैं कि बंद कर दें, लेकिन यहाँ समितियों का जो प्रेशर रहता है, जो दबाव रहता है, उसके कारण हमको मजबूरी वर्ष 10 बजे के बाद ऊपर जाना पड़ता है। नहीं तो हम खुद चाहते कि 9 बजे हम बंद कर दें या 10 बजे से पहले हम बंद कर दें, तो हमारा ये समर्थन नहीं है इसके। हमारी मांग ये है कि किसी भी व्हीकल पे डीजे नहीं बांधना है बोल रहे हैं, तो मांग ये है कि गाड़ी पे डीजे बांधने दिया जाए, और 10 बजे के बाद हम लोग भी बंद करने के लिए तैयार हैं। कहाँ सवाल 75 dB वाला, 65 dB, उतने में नहीं बच पाता, थोड़ी सी प्रशासन से हम लोग छूट चाहते हैं, और उससे बड़ी कोई बात नहीं। इसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।